स्टूडेंट्स, यूट्यूब के एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और मैं अब आपको मैप सीरीज पढ़ाने जा रहा हूं। और इस मैप सीरीज में मैं आपको भारत के मैप से शुरू करूंगा, इंडिया का मैप होगा। और मैं समझता हूं कि मैप में बहुत आप लोग उलझ जाते हो, तो आज इस उलझन को मैं अपने मैप सीरीज के माध्यम से सुलझाऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि ये आपके लिए बिल्कुल उस ढंग का होगा जैसे आप कोई पिक्चर देखते हैं या फिर भाई आप कोई तस्वीर देख करके समझ जाते हो। बिल्कुल बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सुगम तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और आज पूरे भारत को मैं आपकी नजरों में बसा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने भारत के विस्तार के बारे में जानते हैं कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, क्योंकि किसी भी चीज को समझना होगा तो ये समझे ना, उसकी लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, उसकी मोटाई क्या है। तो हम लोग चलिए भारत की लंबाई चौड़ाई मोटाई के बारे में समझते हैं। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले नीचे से। आप यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश है और इसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। आप समझते हैं, इसको विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं बच्चों? विषुवत वृत्त। तो अब यहां से इसका अक्षांशीय विस्तार हमको देखना है भारत का, कि ये कैसे शुरू होता है। तो भारत की जो मुख्य भूमि है, आप ये देख रहे हैं ना, ये भारत की मुख्य भूमि है। मुख्य भूमि मैं इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका कुछ कुछ इधर भी निकला हुआ है और भारत का कुछ पूंछ इधर भी निकला हुआ है, मतलब इसके आगे और पीछे भी पूंछ है। इसका फैलाव बहुत ज्यादा है। आप बंगाल की खाड़ी में देख लीजिए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है भारत का ही है। अरब सागर में देख लीजिए तो लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है ये भी भारत में ही है। तो मैं अभी इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ भारत की मुख्य भूमि की बात कर रहा हूँ। तो आप भारत की मुख्य भूमि को देख लीजिए कि यह 0 डिग्री अक्षांश से कुछ अलग हट करके 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश, इसका आप देख रहे हैं ना यहाँ जो लिखा हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और यहाँ से उत्तर की ओर आप देख रहे हैं मैप में ऊपर वाला जो भाग है ये उत्तर होता है। किसी भी मैप में होता है, इसी मैप में नहीं, आप किसी भी मैप को देखिएगा तो उसमें ऊपर वाला जो भाग होता है ये उत्तर होता है, इंडिकेट भी किया रहता है, दिशा निर्देश दिया गया रहता है। तो चलिए हम देखते हैं कि आप देख रहे हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो रहा है और ऊपर में आप जाकर देखिए तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू हो रहा है। उत्तरी अक्षांश अब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह देखिए पृथ्वी दो भागों में बटी हुई है, भूमध्य रेखा मतलब पृथ्वी को भूमि को मध्य भाग से दो भाग मारता है। इधर वाले भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, इधर वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं और भूमध्य रेखा से ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं हम लोग। उत्तरी गोलार्ध तो ये चूंकि भूमध्य रेखा से उत्तर साइड में है, ऊपर साइड में है, तो इसमें जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी सारी की सारी अक्षांश रेखाएं उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और इसमें भूमध्य रेखा के नीचे जो भी अक्षांश रेखाएं होती हैं सारी की सारी अक्षांश रेखाएं दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत के मुख्य भूमि का विस्तार है। समझ गए आप लोग? अब देखिए यहाँ चूंकि भारत के बारे देख लीजिए, यह भी भारत का ही क्षेत्र है और भारत का जो यह क्षेत्र है यह भारत के मुख्य भूमि से भी कुछ दक्षिण की ओर नीचे की ओर बढ़ा हुआ है। तो यह जब नीचे की ओर बढ़ा हुआ है तो ये इससे थोड़ा और नीचे आ जाता है। आपको देखेंगे देशांतर रेखा, आप जानते हैं कि देशांतर रेखा पृथ्वी के दोनों गोल ध्रुवों को मिलाती है। तो ये ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा है ना, इसके दक्षिणी ध्रुव को भी मिलाती है और ऊपर जाइएगा तो उत्तरी ध्रुव को भी मिलाती है। ऊपर जाकर के ये देशांतर रेखाएं एक दूसरे से सट जाती हैं, एक बिंदु पर हो जाती हैं, लेकिन नीचे इनका फैलाव सबसे ज्यादा विषुवत रेखा पर होता है, ये लगभग 111 किलोमीटर के लगभग में होता है। तो यहाँ भारत की जो शुरुआत हो रही है यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से हो रही है, पूर्वी देशांतर। अब इसको पूर्वी देशांतर क्यों कहते हैं? क्योंकि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उससे इसका विस्तार पूरब की ओर है। ये 0 डिग्री देशांतर जो है उससे भारतीय देशांतर रेखा जहां शुरू होती है यह पूरब की ओर है, इसलिए इसको पूर्वी देशांतर कहते हैं। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से शुरू होती है और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जाती है। तो इस तरह हमने इसका भी विस्तार देख लिया। आप देख लीजिए ये लगभग 30 देशांतर का अंतर है और इसमें इसमें देख लीजिए इसमें क्या है, इसमें भी लगभग कमोबेश 30 देशांतर का अंतर है। तो 29-30 देशांतर का अंतर है, मतलब कि अगर आप सही ढंग से माने
तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है भारत की, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 200-300 किलोमीटर का मात्र अंतर है, और वो भी आपको यहाँ दिख रहा है। आप लंबाई भी देख लीजिए, यहाँ देख रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की जो लंबाई है ये 3214 किलोमीटर है। समझा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ भारत का जो उत्तरी बिंदु है इंद्रापोल, और यहाँ ये कन्याकुमारी है, तो यहां से जो इसका आप विस्तार देख रहे हैं तो यह विस्तार 3214 किलोमीटर है। और उसके बाद आप ये देख रहे हैं, यहां देख लीजिए ये पूर्वी छोर हो गया इसका, तो पूर्वी छोर से भारत का पश्चिमी छोर का जो विस्तार देख रहे हैं ये 2933 किलोमीटर है। तो इस तरह से भारत का पूर्व से पश्चिमी विस्तार आप याद कर लीजिए कि 2933 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार आप याद कर लीजिए कि यह 3214 किलोमीटर है। ये तो हो गई, ये काफी सिंपल बात है। अब देखिए कि भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। देखिए ये कर्क रेखा गुजर रही है ना, ये भारत के बीचों बीच गुजर रही है और यह 23.5 डिग्री अक्षांश पर है। भारत ये जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री अक्षांश पर है। मैं आपको दूसरे मैप में बताऊंगा कि 23.5 डिग्री अक्षांश के उत्तर में कौन सा कटिबंध होता है और इसके नीचे में कौन सा कटिबंध होता है। इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को समझा दूंगा। तो ये 23.5 डिग्री अक्षांश हो गया। अब इस आप देख रहे हैं कि ये बीचों बीच ऐसे जा रहा है। एक और देशांतर रेखा है जो भारत के बीच से गुजर रही है और ये है 82.5 डिग्री देशांतर। देख रहे हैं ये 82.5 डिग्री देशांतर है और यह भारत की मानक समय रेखा है। मानक समय रेखा, इसको मानक समय रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस जगह पर जितना समय होता है वही समय भारत पूरे भारत में माना जाता है। नहीं तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ कुछ और समय होगा और यहाँ कुछ और समय होगा, क्योंकि भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री का है, तो इसलिए ये समय में अंतर हो जाए। क्योंकि सूर्य की किरणें आप जानते हैं ना कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है, तो यहाँ अगर 5 बजे सुबह होता है, सूर्योदय होता है, तो इस जगह पर 30 देशांतर का अंतर रहता है, 30 चौक 120, मतलब कितना हो जाएगा 2 घंटा बाद 7 बजे सुबह होगा इस जगह पर। तो यहाँ 5 बजे सुबह होगा तो यहाँ 7 बजे सुबह होगा, समय में अंतर हो जाएगा, इसलिए एक रेखा मान लिया गया है। और यह उत्तर प्रदेश के नैनी के निकट मिर्जापुर से होकर के यह रेखा गुजरती है और इस जगह पर जो भी समय होता है वही समय पूरे देश में माना जाता है, इसलिए इसको मानक समय रेखा कहते हैं। और भारत का जो मानक समय रेखा है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अब चलिए अब समझते हैं हम भारत के चौहद्दी के बारे में भी जान लेते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं ना कि भारत का ये पूर्वी क्षेत्र है, तो भारत के पूर्व में क्या क्या है, तो आप देख लीजिए भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, ये आपको दिख रहा है, और भारत के पूर्व में बांग्लादेश भी है ना, कुछ पार्ट में बांग्लादेश है और कुछ पार्ट में बंगाल की खाड़ी है। भारत के नीचे आप यहाँ देखेंगे तो भारत के पूर्वी भाग में श्रीलंका है और ये भारत के दक्षिणतम छोर पर है, और आप यहाँ फिर देखेंगे तो यहाँ भूटान है, यहाँ म्यांमार है, इस चीज को आप याद रखें क्योंकि ये सभी भारत के पड़ोसी देश भी हैं। तो इन सब चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए, एक बार जो चीज आप देख लेंगे ना, जो आपको नजर से आप देख लेंगे, तो नजर ऐसी चीज होती है कि आप जैसे टीवी में देखते हो ना, एक बार कोई सीरियल देखते हो, कहानी देखते हो, सिनेमा देखते हो, तो पूरी जिंदगी लगभग लाइफ टाइम याद रहता है। तो उसी तरह आप इसको देख लो, ध्यान से देखो और नजर गड़ा कर देखो कि बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में है, भारत के पूर्व में बांग्लादेश है, और इधर जो ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है और मिजोरम वाला जो क्षेत्र है उसके पूर्व में यहाँ म्यांमार है, ये भी एक देश है, और यहाँ देख लो ये सिक्किम है और ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, कुछ है असम भी है, तो इसके उत्तर साइड में ये भूटान है, ये सभी भारत के पड़ोसी राज्य हैं। यहाँ नेपाल है, आप नेपाल की स्थिति को देख सकते हो, नेपाल के उत्तर में ये सब साइड पहले तिब्बत का था, अब तो चीन ने उसे हथिया लिया है, चीन की आदत है हथियाने की, आप तो देख रहे हो भारत पर भी डोरा डाल रहा है, लेकिन भारत पहले वाला भारत नहीं रह गया, उसने भारत पर डोरा डालना शुरू किया तो इसने हुरना शुरू किया, पूरा कसकर थूर दिया तो चीन अब धीरे धीरे सटक रहा है, लेकिन इसने तिब्बत को हथिया लिया है, नेपाल को भी जो है सो अब धीरे धीरे केपी शर्मा ओली को इसने तो अपने बस में किया ही था और धीरे धीरे नेपाल में घुसना शुरू किया था, लेकिन ओली साहब को थोड़ा सा होश आ गया है तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे संभल रहे हैं, लेकिन नेपाल पर भी इसने अपना डोरा डालना शुरू किया था। तो ये चीन और तिब्बत है।
अब आते हैं इस साइड में, इस साइड में भारत की सीमा किस किस देशों से लगती है, तो थोड़ी सी सीमा यहाँ पर अफगानिस्तान से लगती है, समझ रहे हैं। तो अफगानिस्तान भी भारत का पड़ोसी राष्ट्र है, और बहुत बड़ी सीमा पाकिस्तान से लगती है। पाकिस्तान का मैप देखो, भारत का मैप कितना अच्छा है, पाकिस्तान का मैप देखो तो कुकुर जैसा इसका मैप आता है, एकदम कुत्ते की तरह, एकदम पूंछ की तरह उसका लटका रहता है। और इसका मैप ही कुकुर जैसा नहीं है, इसका स्वभाव भी कुत्ते जैसा है, जितनी लंबी इसकी सीमा है ना, सारे सीमा पर झगड़ा ही चलते रहता है। इसलिए इसको तो बहुत अच्छे ढंग से याद रखना कि ये पाकिस्तान है और ये कैसा है, ठीक। और उसके नीचे आ जाओ तो फिर यहाँ से समुद्र शुरू हो जाता है, और ये अरब सागर का क्षेत्र हो जाता है, भारत के पश्चिम में अरब सागर का क्षेत्र हो जाता है, और भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र हो जाता है, और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर का क्षेत्र होता है। इस चीज को हमें याद रखना है कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर का क्षेत्र है, और एकमात्र यही ऐसा महासागर है बच्चों कि यह किसी देश के नाम पर इसका नाम पड़ा, चूंकि हमारा देश महान है, हमारा देश महान है तो हमारे देश के नाम पर हिंद महासागर का नाम पड़ा। और भी सारा महान रहता तो दूसरे भाई अमेरिका महासागर पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया महासागर पड़ता है, चीन महासागर पड़ता है, तो ऐसा कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो भारत महान है इसलिए भारत के नाम पर हिंद महासागर हुआ है, ठीक। तो इसमें फिर अरब सागर में ही यहाँ जो द्वीप समूह है आप देख रहे हो, लक्षद्वीप समूह है, फिर बंगाल की खाड़ी में आ जाओ तो बंगाल की खाड़ी में ये क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इस तरह से भारत का जो विस्तार है काफी लंबा चौड़ा है, और आगे के वीडियो में मैं अब आपको बताऊंगा कि भारत का समुद्री विस्तार कितना है, इसका जो है सो भौगोलिक जो क्षेत्र है और सीमाओं से सटा हुआ जो देश है उसका विस्तार कितना है, तो ये सब चीजें मैं आपको आगे के वीडियो में बनाऊंगा। अब सारा जो है सो आपको इस मेरे चैनल पर मैप सीरीज आएगा, और मैप सीरीज बिल्कुल उस तरह से आएगा कि आपको हर एक बात याद हो जाएगी, और आपको मैप से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, इतना आप समझ लेना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।